सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं एक 1.1 लाख रुपीस का गेमिंग स्ट्रीमिंग एंड एडिटिंग पीसी बिल्ड जो कि हम लोगों ने बनाया मिस्टर जिष्णु जी के लिए, जो कि रहने वाले हैं आसाम के। बात करेंगे सभी कंपोनेंट्स के बारे में जिन जिनका इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करा गया है। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आपको भी कोई ऐसे ही कमाल का पीसी बिल्ड करवाना हो हमारे जिष्णु भाई की तरह, तो आप डेफिनेटली हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो हमारा नंबर है वो आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, जो कि 7303986007, एंड इस नंबर के ऊपर आप लोग कॉल करके डायरेक्टली अपना पीसी बुक कर सकते हो। ध्यान रखना, सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक ही आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। साथ ही साथ जो हमारी वेबसाइट है वो है modexcomputers.com, यहाँ पर जाकर के आप लोग अपने लिए AMD या फिर इंटेल का अपने हिसाब से फुली कस्टमाइज कर सकते हो अपना पीसी, एंड डायरेक्टली वहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अब चलिए इस बढ़ते आगे एंड बात कर लेते हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में जिनका इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करा गया है। डब्बे भी गिर रहे हैं इसलिए जल्दी हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर यूज करा गया इंटेल की तरफ से उनका कोर i5-11400F प्रोसेसर। एक काफी बढ़िया प्रोसेसर हो जाता है जिस प्राइस के ऊपर ये आता है, लगभग 13-14 हज़ार रुपए के आसपास का करंटली मार्केट के अंदर बिक रहा है। 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग, हर एक वर्कलोड के हिसाब से इस प्राइस बजट में काफी बढ़िया चॉइस यहाँ पर बन जाती है। एंड इसके साथ में ना हम एक स्टॉक कूलर भी देखने को मिलता है, बट उसका हम लोगों ने यहाँ पर यूज नहीं करा है। यहाँ पर हम लोगों ने अलग से एक आफ्टर मार्केट एयर कूलर यूज करा है, जो कि आता है डीपकूल की तरफ से उनका GAMX GT ARGB। काफी एक अच्छा एयर कूलर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके जो लुक्स है यार वो मेरे को काफी बढ़िया लगता है। यहाँ पर जो डीप कूल का लोगो है वो भी पूरा ARGB में चलता है, जो फैन है इसका वो भी पूरा ARGB, एंड ये मदरबोर्ड से भी सिंक हो जाता है इसकी जो RGB है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर कर भी रखी है। अच्छा, मदरबोर्ड के बारे में बात करें तो इसके हम लोगों ने पेयर करा 11400F को विद दी ASRock का B560M Pro 4 AC प्लस मदरबोर्ड। अब /AC का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हमें वाईफाई भी देखने को मिल जाता है, तो ये मदरबोर्ड जो है वाईफाई की फंक्शनैलिटी के साथ में भी हमें देखने को मिल जाता है। बात करेंगे यहाँ पर हमारी रैम के बारे में, तो रैम हम लोगों ने जो है टोटल यहाँ पर 16 GB यूज करी, 8-8 GB की दो स्टिक्स जो कि 3200 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है। जी स्किल की ट्राइडेंट ZRGB रैम स्टिक्स का हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है। काफी बढ़िया क्वालिटी की यार रैम स्टिक्स होती है। यहाँ पर एक बार भाई लुक दिखा दो कि कैसा लग रहा है। मुझे तो पर्सनली भाई बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है, मेरी पर्सनल फेवरेट रैम स्टिक्स है जब हम RGB रैम के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे एंड बात करते हैं अब हम लोग हमारे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो कि किसी भी पीसी बिल्ड का होता है आज की डेट में, जो कि हमारा ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर यूज करा गया है सैफायर की तरफ से उनका AMD का ग्राफिक्स कार्ड है ये, जो कि RX 6600 XT ग्राफिक्स कार्ड, इक्विवेलेंट टू लगभग आप कह सकते हो 3060 या फिर 3060 Ti, इसी के आसपास में जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस देता है। गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग कुछ भी करना हो बहुत बढ़िया जो है यहाँ पर करा सकता है। एंड इनफैक्ट जो इसकी प्राइस है वो यार बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, मतलब उस लेवल की परफॉर्मेंस देता है 3060 Ti के आसपास तक की, बट प्राइस काफी कम होती है सिग्निफिकेंटली, लगभग 6-7 हज़ार रुपए सस्ते में आप खरीद सकते हो इसको 3060 के मुकाबले, है ना। तो प्राइस यार इसकी काफी बढ़िया हो जाती है यहाँ पर। भाई गाइस बढ़ते आगे एंड बात करते हैं यहाँ पर अब हमारी स्टोरेज के बारे में, तो 256 GB की M.2 NVMe SSD का इसके अंदर यूज करा है, जो कि एडेटा की तरफ से XPG S5, बाकी एक 1 TB की हार्ड ड्राइव का भी इसके अंदर यूज करा गया है। बात करें पावर सप्लाई के बारे में तो 650W की मास्टर वॉट एलिट 650 का यहाँ पर हम लोगों ने यूज करा, जो कि आती है कूलर मास्टर की तरफ से 80+ ब्रोन सर्टिफिकेशन में साथ में यहाँ पर आ जाती है, एंड काफी बढ़िया क्वालिटी की पावर सप्लाई। आज तक भाई एक भी कंप्लेंट हमें इस पावर सप्लाई के साथ में यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। बात करेंगे यहाँ पर हमारी कैबिनेट के बारे में, तो कैबिनेट हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करी है डीप कूल की तरफ से उनकी मैट्रिक्स 55 मेश 4F मींस इसके अंदर हमें 4 प्री इंस्टॉल्ड फैंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि ARGB फैंस हो जाते हैं, एंड मदरबोर्ड से भी यहां पर सिंक हो जाते हैं, जो कि हम लोगों ने कर रखे हैं, है ना। लुक ओवरऑल इस पूरे पीसी का आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे तो यार पर्सनली काफी बढ़िया लग रहा है, स्पेशली ये जो इनका एयर कूलर है वो भी जब पूरा सिंक होकर यहां पर चल रहा है तो ओवरऑल लुक पूरा काफी बढ़िया सा यहां पर निकल करके आ जाता है। 1.1 लाख रुपीस का पीसी बिल्ड था ये, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। बाकी आपको भी कोई पीसी बिल्ड करवाना हो तो जो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगी, डेफिनेटली आप हमको कॉन्टैक्ट करके अपना जो पीसी है उसको ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है,
बाकी मिलेंगे एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी बिल्ड के साथ में। तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।